आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय पर जो है उसके आकार और स्थिति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जब विद्यालय नहीं चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसके माध्यम वीडियो के माध्यम से जो है यह विद्यालय का पठन पाठन थोड़ा सा शुरू हो रहा है। तो भारत का आकार और स्थिति, भारत का आकार जो है भारत का आकार और स्थिति के बारे में जो है आज अध्ययन किया जाएगा। भारत कितने अक्षांशों से और कितने देशांतर के बीच में स्थित है, तो भारत 8.04 उत्तरी अक्षांश से 37.06 उत्तरी अक्षांश और 68.07 से 97.25 के मध्य भारत स्थित है। भारत का की लंबाई और चौड़ाई लगभग थोड़ा सा केवल अंतर है, क्योंकि 30-30 का अंतर दोनों में पड़ता है, इसलिए इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम जो है चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा किलोमीटर और जली सीमा 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीपों को अगर मिला दिया जाए किलोमीटर है। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि एक अंश देशांतर अक्षांश में 111 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए भारत का दक्षिणी छोर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर जो 6.45 पर दक्षिणी छोर स्थित है, जो सुनामी लहर के आने के कारण जो है वह समुद्र में डूब चुका है, और इसका उत्तरी छोर जो है इंदिरा जो है उत्तर कश्मीर में स्थित है। क्योंकि यह भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसका आकार एक दक्षिणी भाग का आकार एक त्रिभुज की तरह है, पूर्व में इसकी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट
जो है ये इसका खड़ा ढाल है, क्योंकि उस समय आज से बहुत पुराने समय में इसका पश्चिमी भाग जो है एकाएक टूटकर अरब सागर में डूब गया था, जिसके कारण इसका ढाल ये समुद्र का तट जो है बिल्कुल सपाट खड़ा है ये, और इसी कारण यहाँ जो है बड़े बड़े जहाज जो है किनारों तक लग जाते हैं, इसका व्यापार जो है विश्व के अन्य देशों से होता रहता है। इसकी जो है भारत की, चूँकि इसके यह भारत का जो आकार है, यह आकार जो है एक चतुर्भुज के समान बिल्कुल जो है दिखाई देता है, और यह जो है दक्षिण का ये जो पठारी भाग है या उत्तर का जो मैदानी भाग है या जो हिमालयी इससे रचना है, यह हिमालय जो है एक प्रहरी की तरह हमारी उत्तर में स्थित है, और तीन ओर से जो है समुद्र से घिरा होने के कारण जो है हमारी स्थित जो है विश्व में जो है एक महत्वपूर्ण होती है। चूँकि भारत का आकार और स्थित एक चतुर्भुज के समान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में विशेष अंतर नहीं है। अब भारत की सीमा पर कौन कौन से देश हैं? पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो है उस लाइन को कहते हैं डूरेंड, और भारत और चीन के बीच की जो हमारी सीमा है उसको कहते हैं मैकमोहन सीमा। क्योंकि भारत के सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश स्थित हैं, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। समुद्र में भारत की स्थित 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर समुद्री में 2 किलोमीटर तक जो है भारत का सीमा रहती है, उसके बाद जो है खुला समुद्र जो है विश्व के अन्य देशों के लिए जो है ये खुला रहता है। अब भारत की जो है सीमा पर रहने वाले देशों की, चूँकि यह एक कृत्रिम रेखा बनाई गई है तारों के द्वारा घिरी गई, लेकिन यह प्राकृतिक सीमा है। भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है, और इसकी जो है स्थित बहुत ही विश्व में महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि, जलवायु की दृष्टि, यातायात की दृष्टि हर महत्व रखता है। क्योंकि स्वेज नहर बन जाने से जो पहले यूरोपीय देश के लोग जो है अफ्रीका महाद्वीप को घूम करके आते थे, अब वह स्वेज नहर के बन जाने से यह दूरी कम हो गई, इसलिए यूरोपीय देशों या अमेरिकी देशों से व्यापार करने में भारत की स्थिति मजबूत हो गई, और भारत के इस से देश हमारे देश से हो करके जो है पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है जहाज़ों के आने जाने में या व्यापार करने में बहुत ही सुविधा उपलब्ध होती है।